हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मालवी जायका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और यूनिक पिज़्ज़ा पानीपुरी बाइट, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने रख देंगे और ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे पानी पूरी की जो सूखी पपड़ी होती है, उसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहां मैंने सारी पूड़ियों को फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम एक पपड़ी लेंगे और इसे चाकू की हेल्प से बीच से कट कर देंगे। इस तरीके से हम सारी पपड़ियों को कट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी पूड़ियों को कट कर लिया है। तो यहाँ हमने फिर से कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल को गरम कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और यहाँ मैंने शिमला मिर्ची को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, वो भी हम इसमें डालकर अच्छे से सौते कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसको सौते कर लिया है। अब मैंने एक टमाटर को छोटे पीसेस में कट कर लिया था, वो हम इसमें डालकर थोड़ी देर सौते कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पनीर, 1/2 स्पून नमक, 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा मियोनीस और 1 स्पून हम डाल देंगे टमाटो केचप। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पका लेंगे। तो यहाँ हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमने जो पपड़ी को कट करके रखा था उसमें हम हमारी तैयार की हुई स्टफिंग को भर देंगे। अब हम पानी पूरी मसाले को सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे ताकि इससे एकदम चटपटा और खट्टा मीठा टेस्ट आए। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे सभी में। अब हम थोड़े से ग्रेटेड पनीर को डाल देंगे। यार हमारे पानीपुरी बाइट्स फ्रेंड्स देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।